हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को एनेबल जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस के बारे में आपको यूं ही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि लहसुन खाना अमृत से कम नहीं है, परंतु 99% लोगों को इसको सही तरीके से खाने के बारे में नहीं पता है, तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। दोस्तों, लहसुन अनेक औषधीय गुणों की खान है। लहसुन का सेवन 12 महीने ही अच्छा माना जाता है। लहसुन के एक कली रोजाना खाने से शरीर को कई तरह के लाभ होते हैं। इससे आप अनेक भयंकर बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, लहसुन को सही तरीके से खाने से पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं। नंबर एक, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान लोगों के लिए लहसुन का नियमित सेवन अमृत साबित हो सकता है। लहसुन में एंटी क्लॉटिंग गुण होते हैं, जो खून को पतला करने में सहायक होते हैं और शरीर में खून के थक्के बनने से रोकते हैं। इससे चोट लगने के बाद खून बहने का डर भी नहीं रहता है। नंबर दो, हार्ट अटैक एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। लहसुन हमारे दिल को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है और हार्ट अटैक और एथेरोस्क्लेरोसिस से होने वाली दिक्कतों से बचाता है। इसमें दिल को सुरक्षित रखने वाले तत्व होते हैं, जिनके सेवन से दिल को आसानी से स्वस्थ बनाया जा सकता है। उम्र के साथ धमनियां खिंचाव करने की क्षमता खो देती है, लहसुन इसे कम कर देता है और दिल को ऑक्सीजन रेडिकल्स के प्रभाव से बचाता है, ताकि हार्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके सल्फर युक्त यौगिक हमारी रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध होने से बचाता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की दिक्कत खत्म हो जाती है। लहसुन की एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टी रक्त वाहिकाओं में खून के थक्के बनाने से रोकती है। नंबर तीन, हाई बीपी से बचाए। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि लहसुन खाने से हाइपरटेंशन के लक्षणों से आराम मिलता है। यह ना केवल ब्लड सर्कुलेशन को नियमित करता है, बल्कि दिल से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है, साथ ही लीवर और मूत्राशय को भी सुचारू रूप से काम करने में सहायक होता है। नंबर चार, मर्दाना ताकत। दोस्तों, लहसुन नियमित सेवन करने से मर्दाना ताकत भी बढ़ती है। अपने उत्तेजना भर देने वाले गुणों के कारण कमजोर हो चुकी इंद्रियों में जोश भर देता है लहसुन। इसीलिए आपको नियमित लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर पांच, डायरिया दूर करें। दोस्तों, पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे डायरिया आदि के उपचार में भी लहसुन रामबाण का काम करता है। कुछ लोग तो यह दावा भी करते हैं कि लहसुन तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारियों को दूर करने में बहुत लाभकारी होता है, लेकिन केवल तभी जब इसे खाली पेट खाया जाए। नंबर छः, डिटॉक्सिफिकेशन वैकल्पिक उपचार। दोस्तों, जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है तो वैकल्पिक उपचार के रूप में लहसुन बहुत प्रभावी होता है। लहसुन शरीर को सूक्ष्म जीवों और कीड़ों से बचाता है। अनेक तरह की बीमारियों जैसे डायबिटीज, ट्यूफस, डिप्रेशन और कुछ प्रकार के कैंसर की रोकथाम में भी यह सहायक होता है। नंबर सात, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाए। दोस्तों, लहसुन श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह अस्थमा, निमोनिया, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, पुरानी सर्दी, फेफड़ों में जमाव और कफ आदि की रोकथाम व उपचार में बहुत प्रभावशाली होता है। नंबर आठ, टीबी में लाभकारी। दोस्तों, टीबी में लहसुन पर आधारित इस उपचार को अपनाएं। एक दिन में लहसुन की एक पूरी गांठ खाएं। टीबी में यह उपाय बहुत असरदार साबित होता है। अगर आपको लहसुन की गंध पसंद नहीं है, इसके कारण मुंह से बदबू आती है, मगर लहसुन खाना भी जरूरी है, तो रोजमर्रा के लिए आप लहसुन को छीलकर या पीसकर दही में मिलाकर खाएं, तो आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। लहसुन खाने के बाद इसकी बदबू से बचना है तो जरा सा गुड़ और सूखा धनिया मिलाकर मुंह में डालकर चूस लें। कुछ देर तक बदबू बिल्कुल निकल जाएगी। नंबर नौ, खून की कमी।
जिनके शरीर में खून की कमी है उन्हें लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व होते हैं जो कि रक्त निर्माण में सहायक हैं। लहसुन में विटामिन सी होने से यह सरकवी रोग से भी बचाता है। नंबर 10, वजन कम करने में सहायक। दोस्तों, लहसुन के नियमित सेवन से वजन को घटाया जा सकता है क्योंकि इसमें हमारे शरीर में बनने वाली वसा कोशिकाओं को विनियमित करने की क्षमता है जिससे वजन आसानी से घट जाता है। कच्चे लहसुन का लाल मिर्च के साथ चटनी बनाकर नियमित रूप से खाने पर वजन कंट्रोल में आ जाता है। तो इसीलिए जिन लोगों को वजन की समस्या है उन्हें लहसुन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नंबर 11, एंटी इन्फ्लामेंट्री। दोस्तों, लहसुन में एंटी इन्फ्लामेंट्री प्रॉपर्टीज होती है जिसकी मदद से एलर्जी को दूर भगाया जा सकता है। इसीलिए अगर आप किसी तरह की एलर्जी से परेशान हो तो रोजाना लहसुन की एक कली को पानी से निगल लें और अपने भोजन में लहसुन को शामिल करें। नंबर 12, कफ और जुकाम। दोस्तों, ठंड या बदलते मौसम में अक्सर किसी भी उम्र के लोगों को कफ और जुकाम जैसी परेशानी हो जाती है, तो लहसुन के काढ़े का सेवन करें। इससे आपका कफ और जुकाम दूर हो जाएगा। नंबर 13, कैंसर। दोस्तों, कैंसर के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है लहसुन। लहसुन में कैंसर निरोधी तत्व होते हैं, यह शरीर में कैंसर बढ़ने से रोकता है। लहसुन के सेवन से ट्यूमर को 50-70% तक कम किया जा सकता है। इसीलिए जिन लोगों को कैंसर की समस्या है उन्हें भी लहसुन का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थे लहसुन के फायदे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि लहसुन को कैसे खाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें या अच्छी तरह से पीस लें और कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने दें। इसको तुरंत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे तो इसमें मौजूद एलीन नामक तत्व एलिसिन में बदल जाता है और लहसुन के अधिकतर गुण एलिसिन के कारण ही होते हैं। दोस्तों, एलिसिन को रिलीज होने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि लहसुन को खाने से पहले कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और फिर बाद में अगर आप चाहें तो इसको भूनकर या सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि एक कली लहसुन अमृत के समान है और इसे खाने का सही तरीका क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ हैक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।